एक गोरे हिरण के चेहरे पे काली पोत की या उसे सांवला बना के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जोड़ी ने अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी नाइंसाफी की बात की है। रणदीप हुड्डा जैसे काबिल कलाकार को साथ में लेकर डायरेक्टर बलविंदर सिंह जुजुआ ने तेरा क्या होगा लवली जैसी फिल्म बनाई है जो थिएटर में रिलीज होते ही डब्बा बंद होने वाले है ऐसा लगता है। वैसे भी आजकल बॉलीवुड में अच्छे अच्छे कंसेप्ट के ऊपर खराब से खराब फिल्म बनाने की होड़ सी मची हुई है। ये फिल्म भी आज वैसी भेड़ बकरी की चाल चलती हुई दिखाई दे रही है। सांवलापन जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप रहा है, ऐसी लड़की लवली की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस फिल्म में दिखाई गई है। हालांकि हर किसी लड़की की शादी की उम्र में लड़कों से रिजेक्ट होने के पीछे बहुत सारी वजह देखने को मिलती है। कुछ को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी की सब कुछ ना समझी की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। इनमें से बहुत कुछ की शादियां मंडप में इन्हीं तीनों वजहों के कारण टूटती हुई दिखाई देती है। लवली को जब एक लड़का उसके सावले रंग के कारण उससे शादी से इनकार कर देता है तो लवली के पिताजी 2 गुने दहेज के ऊपर लवली की शादी कहीं और जमा देते हैं। लेकिन जब शादी का दहेज का सामान ही चोरी हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। इन्हीं गंभीर हालातों में जब चोरों को पकड़ने के चक्कर में एक पुलिस अधिकारी लवली के करीब आ जाता है तब लवली की जिंदगी में असल में क्या होता है इसी के ऊपर तेरा क्या होगा लवली इस फिल्म की कहानी देखने को मिलती है। चेहरे का रंग सांवला होने के कारण शादी होने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मानसिक रूप से उसके समझदारी का पेंडुलम हर बार नकारात्मकता की ओर ही झुकता हुआ देखने को मिलता है। 2 गुने दहेज के कारण शादी से संबंधित हर किसी की स्पेशली लड़की की तरफ के लोगों की जिंदगी उजाड़ सी जाती है। राइटर जोड़ी ने वैसे तो फिल्म के लिए अच्छा विषय चुना है लेकिन डायरेक्टर का डायरेक्शन सही मायने में फिल्म की कहानी से फिल्म तक उतरा ही नहीं है। दहेज या सावलीपन संबंधित हर एक मुद्दे को डायरेक्टर ने फिल्म में बहुत ही कॉमेडिक तरीके से पेश किया है। डायरेक्टर का कहानी को पेश करने का हल्का अंदाज जैसे जैसे फिल्म को हास्य की तरफ बढ़ाता है, इन सब के बीच में समाज प्रबोधन का जो फिल्म का असल मुद्दा था वो कहीं पे पीछे छूट गया ऐसा लगता है। एक कलाकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जैसे दर्शकों के मन में उनकी जो छवि बैठी है शायद उसी के हिसाब से उन्हें भूमिकाओं का चयन करना चाहिए। हाँ, शायद इसमें एक डेयरिंग से भी बात है, जो इस इमेज को ब्रेक करते हैं शायद ही सफल हो जाते हैं, लेकिन जो इमेज बन रही है उसे बनाए रखने में बहुत सारा परिश्रम लगता है। अगर येलेना डुक्रेज जैसी अभिनेत्री अपने व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत भूमिकाएं ढूंढती रहेगी दर्शकों के हाथ में कचरा पड़ना लाजमी है, इसमें कोई नई वाली बात नहीं है। लवली के किरदार के लिए अगर वास्तविक जीवन की किसी और हीरोइन का अगर वो सिलेक्शन कर लेते ये फिल्म देखने के लिए लोगों के मायने और भी बड़े तरीके से बदल जाते हैं। अब देखते हैं रणदीप हुड्डा की तरफ, उन्होंने फिल्म में क्या गुल खिलाए हैं। वैसे तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पे रणदीप हुड्डा की पहली फिल्म स्वतंत्रवीर सावरकर कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिर भी तेरा क्या होगा लवली इस फिल्म के लिए इसका कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। रणदीप खुद हरियाणा से है, उनके बोलने का लहजा भी पूरी तरह से हरियाणवी देखने को मिलता है, फिर भी डायरेक्टर उनसे उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए हैं। बाकी के कलाकारों में गीतिका वैद्य इलेना से बेहतर अभिनय करती हुई दिखाई देती है। लवली के पिताजी की भूमिका में पवन मल्होत्रा पूरी तरह से निराश करते हैं। बाकी के कलाकारों में करण कुंद्रा और सुनील दया का अभिनय बहुत ही सामान्य देखने को मिला है। फिल्म प्रेडिक्टेबल मैसेज देती हुई इंसान के अंदर की इनर ब्यूटी को ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती है। अतरंगी किरदारों के देसी लहजे में विशेषता हरियाणी भाषा में हंसी के फुहारे उठते हैं। बेहतरीन स्क्रीन प्ले के बावजूद फिल्म का रन टाइम शॉर्टर है, इस नॉनसेंस पागलपन को जल्दी में समेट लिया है, यही इस फिल्म के लिए अच्छी बात साबित होती है। हालांकि हल्के फुल्के कॉमेडी के पंचे से फिल्म हमको एंटरटेन तो करती है लेकिन फिल्म का दी एंड कब आएगा इसी पे सबका ज्यादा का अटेंशन लगा रहता है। तेरा क्या होगा लवली ये फिल्म आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।